हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी मजे में होंगे और दुख तकलीफों से दूर की जिंदगी जी रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को अब तक ये पता चल ही गया होगा कि सिकंदर मूवी का जो VFX है वो भाई कोई और नहीं बल्कि रेड चिलीज वाले कर रहे हैं। अब देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो बस्ती वाला सीक्वेंस है क्योंकि वो बहुत रफ एंड टफ है, बिकॉज वहां पर जो सलमान खान का लुक है वो पूरा चेंज है। तुम लोगों को लगता होगा कि वो वीर वाला लुक है, नहीं भाई, वो वांटेड जैसा लुक है। पूरा भाई 90s का एक एरा दिखाया जाएगा कि 90s में मुंबई थी और मुंबई के अंदर गैंगस्टर कैसे थे, स्मगलिंग कैसे होती थी। वो पूरा जो सेट बनाया गया है मुंबई का वो इसीलिए बनाया गया है, और वहाँ का जो VFX है वो बहुत हार्ड है, इसीलिए भाई वो VFX और वहाँ का जो पूरी मूवी है जिसकी कलरिंग और सारा का सारा काम रेड चिलीज करने वाला है। तो जवान लेवल वाला एक्शन और विजुअल तो देखने को मिलेगा, और साथ ही जो प्लेन एक्शन सीक्वेंस है तो वहाँ का जो VFX है पूरा भाई हवा में ही VFX होने वाला है, मतलब भाई हवा में ही एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं। तो वहाँ का भाई VFX बहुत ज्यादा टफ है, और अब जाकर भाई लोगों को पता चल रहा है कि भाई इस मूवी का बजट 400 करोड़ क्यों है। बस AR मुरुगदास इस मूवी का डायरेक्शन बेहतरीन तरीके से कर दें, बाकी तो भाई सलमान भाई का ऑरा और VFX का काम तो रेड चिलीज कर ही देगी। तो गाइस, बस्ती के अंदर एक फाइट सीक्वेंस तैयार किया जा रहा है। यस गाइस, मे भी हो सकता है कि बस्ती में गुंडे आकर आग लगा दें। काजल अग्रवाल भाई उनकी पास्ट की गर्लफ्रेंड बनी हुई है, तो हो सकता है कि बस्ती में कोई फाइट सीक्वेंस हो। तो यही गाइस एक फाइट सीक्वेंस होने वाला है सलमान खान का, एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस बस्ती के अंदर। कहा जा रहा है कि ये मूवी का हाईलाइट है, जैसे जवान का ट्रेन एक्शन सीक्वेंस और भाई जहां जवान की एंट्री होती है वो जो पट्टियों वाला वो हाईलाइट था पूरी मूवी का। तो कहा जा रहा है कि सिकंदर का ये बस्ती सीक्वेंस जहां भाई 90s की मुंबई के लिए पूरा सेट तैयार किया गया है, तो ये जो सीक्वेंस होने वाला है कहा जा रहा है कि ये पूरी मूवी की जान है। कहा जा रहा है वहाँ पर सलमान भाई का जो लुक है पूरा चेंज है, यानी कि पास्ट दिखाया जाएगा सलमान भाई का, जो कि एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था, जो कि भाई किसी की भी सुनता नहीं था, डायरेक्ट भाई 3 गोली मारकर आदमी को ऊपर पहुंचा देता था। तो ऐसा लुक होने वाला है लाइक एंग्री यंग मैन, और वॉन्टेड में जैसे राधे का करेक्टर था भाई डिट्टो वैसा ही करेक्टर होने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ सलमान भाई के लिए 10 अमेजिंग गन्स मंगवाई गई हैं। विक्रम का तुम्हें लास्ट सीन याद है जहां पर विक्रम भाई कमल हसन वो भाई कई अलग अलग तरीके की गन्स चलाते हैं ना, ध्यान से देखना क्लाइमेक्स में ट्रक के अंदर भाई वो गन वाला सीक्वेंस है। तो सलमान भाई यहाँ भी 10 तरह की अमेजिंग गन्स चलाते हुए दिखाई देंगे। तुमने भाई न्यूज भी सुनी होगी कि अमेजिंग गन्स मंगवाई गई हैं। तो भाई देखते हैं कि ये पूरा सीक्वेंस कैसा होता है, और इसका जो टीजर है भाई वो आएगा जनवरी में, तुम लिख कर ले लेना। और जो 86 मूवी है उसका अनाउंसमेंट सलमान खान के बर्थडे वाले दिन होने वाला है। तो गाइस, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो सिकंदर मूवी के लिए ये हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, और अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।